तीसरे मैच की शुरुआत होती हुई और शेरू का इशारा आता हुआ, शेरू अंपायरिंग की भूमिका में। तीसरा मैच, पहला ओवर, पहली गेंद, और पहली गेंद पर सनी अन्ना और आउट। यहां पर कमाल का कैच डीडी रांझी के फील्डर के द्वारा, बहुत ही कमाल का कैच, और शॉट में काफी ताकत थी। सनी अन्ना थे, लेकिन वाओ व्हाट अ कैच। खराब शुरुआत, शून्य पर पहला विकेट। शिवन्य होम्स प्रेजेंस शिवन्य कप tenniscricket.in पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। संस्कारधानी जबलपुर शहर में ये टूर्नामेंट चल रहा है, आयुर्वेदिक कॉलेज का ये ग्राउंड। पराग दीवान सर आ चुके हैं और नर्मदा जी के बहुत बड़े भक्त, समाज सेवी, गरीब बच्चों के लिए शिक्षित करना उनका संकल्प, उनका इरादा, उनका मकसद, और मुख्य मंच पर मौजूद और अलग अलग टीमों को संचालित करना भी उनका ये कार्य है, ये पुरानी उनकी हैबिट पराग दीवान सर की। और इसी बीच उठाकर खेला हुआ शॉट 6 रन के लिए, तो मैं पराग सर की बात कर रहा था। पराग सर तकरीबन 14 से 16 साल से वो टीम चला रहे हैं, विजडम टीम को स्थापित उन्होंने किया था। विजडम टीम काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी जबलपुर शहर में, ना केवल जबलपुर में बल्कि मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ में काफ़ी नाम कमाया था। तो पराग सर मौजूद हैं आज, उन्होंने अपना कीमती समय दिया है, और पराग सर की सेकेंड टीम मैदान पर उतरी हुई है, NPIS महेशमती इस पूरी टीम का नाम है। और ये कैच ड्रॉप हुआ है, NPIS नर्मदा प्रीति इंटरनेशनल स्कूल इसका फुल फॉर्म है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं सर NPIS, लेकिन मैंने बता दिया, नर्मदा जी के आप भक्त हैं तो नर्मदा एन से, पी से आपकी मदर का नाम आता है, यस आई से इंटरनेशनल और एस से स्कूल, तो NPIS महेशमती 11 इस टीम को कहीं ना कहीं संचालित कर रहे हैं इस साल इस टूर्नामेंट में, शिवन्य कप में। पराग दीवान सर, उनकी भी हम व्यूज जानना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के माध्यम से, इस टीम के बारे में जुड़ेंगे कुछ देर का था हमारे साथ पराग दीवान सर। और इसी बीच कहीं ना कहीं फिर से खतरा है, और ये ड्रॉप यहाँ पर पूर्व अनुमान नहीं लगा पाए थे, गेंद कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रही थी हवा में, और फिलहाल यहाँ पर कैच छूटा, एक बेहद शानदार कैच, और ये जो कैच होना चाहिए था जो नहीं हुआ। और पराग दीवान सर वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी बड़ा नाम है संस्कारधानी जबलपुर शहर में, काफी सहयोग उन्होंने किया है क्रिकेट के लिए। और इसी बीच क्रॉस बैटेड शॉट, वन बाउंस ओवर द रोप, 4 रनों के लिए, जबरदस्त शॉट, कैच छोड़ेंगे, कीमत चुकानी पड़ेगी। और यहां अगर आप देखेंगे तो एक बहुत स्ट्रांग टीम है ये, सभी प्लेयर काफी अच्छे हैं इस टीम में। पिछले मैच में देखा गया था 29 रन पर 5 विकेट इस टीम के हो गए थे, उसके बाद 99 रन बनाए इस टीम ने, और यहाँ पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन। और डीडी रांझी जो कि जबलपुर की टीम, एक अच्छी टीम, एक बढ़िया साइट, और कैंट क्षेत्र कहलाता है रांझी, वहां से टीम है डीडी रांझी। 11 पर 1 पहले ओवर की समाप्ति के बाद, दूसरा ओवर पहली गेंद, और पहली गेंद दूसरे ओवर की, और इस बार भी कोई गलती नहीं, और इस बार देखना होगा कि कैच तो लिया गया है क्या, बाउंड्री लाइन पैर टच हुआ या नहीं, टच हुआ है, और 6 का इशारा अंपायर का आता हुआ। स्पोर्ट्समैन स्प्रिट फील्डर ने दिखाई है, खेल भावना का परिचय दिया है, और उन्होंने स्वीकार किया कि बाउंड्री लाइन से पैर टच हुआ उनका, स्वीकार किया उन्होंने, एक्सेप्ट किया, 6 रन, और अंपायर का काम आसान कर दिया उन्होंने। और ये अच्छी बॉल यहाँ पर 17 पर 1 है, दूसरा ओवर है,
जयंत 13 पर, धर्मेंद्र 4 पर, बॉलिंग में है डीजे। धीमी गति की गेंद, इस बार अच्छी बॉलिंग डीजे के द्वारा। समारा स्पोर्ट्स की तरफ से हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है। समारा स्पोर्ट्स शक्तिनगर, स्वप्निल चौधरी ऑनर है, उनके द्वारा ट्रॉफी दी जा रही है प्लेयर ऑफ द मैचेस की। स्वप्निल चौधरी समारा स्पोर्ट्स की ओर से लगातार प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफीज हर एक दिन हर एक मैच में, तो समारा स्पोर्ट्स को भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच स्वप्निल। चलिए इस तरह से दूसरा विकेट 18 पर 2, अब जयंत आउट हुए। डीडी रांझी दूसरा झटका देती हुई इस मैच में 18 पर 2 दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद। टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर सीधा प्रसारण पहुंचता हुआ इस टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का, शिवन्य होम्स शिवन्य कप 2024 गौरीघाट स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राउंड। ज्यादा टाइम ना लें प्लीज डीडी रांझी, टाइम हमारे पास बहुत कम है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि टाइम की कमी है हमारे पास, और आज के कुल 6 मुकाबले हैं, तीसरा रनिंग है, टाइम कम से कम लेंगे प्लीज। 8-8 ओवर का मुकाबला है, 18 पर 2 दूसरे ओवर के बाद। एनपीआईएस महेशवती एक और सफलता 18 पर 3। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी बल्लेबाजी का जो अंदाज है, जो सिलसिला है, बरकरार है बदस्तूर। पिछले मैच में भी यही कहानी थी, इस मैच में भी यही कहानी है। वो तो सोनू ने पिछले मैच में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली, 17 में 39 बनाए थे अंडर प्रेशर, तब जाकर वो रन्स बने थे 99। लेकिन कोई भी सुधार नहीं इस मैच में भी 18 पर 3। पिछले मैच में 29 पर 5 थे, यहाँ 18 पर 3। संतोषी अगले बैटर। क्या फिर से टीम सोनू को याद करेगी? सोनू उतर चुके हैं, सोनू संतोषी डबल एस का फैक्टर क्या नजर आएगा मैच में अब यहां से? और क्या हर मैच में सोनू ही चलेंगे, ये क्या संभव हो पाएगा? या फिर सोनू फिर से चलेंगे, क्या ये मुमकिन होगा?
इस बार बहुत ज्यादा शॉट गेंद, भरपूर शॉट, इस शॉट में बहुत ताकत और 6 रन यहां पर, 18-6, 24। और इस प्रकार की बॉलिंग करेंगे ना तो फिर आप वापसी करने का मौका देंगे विपक्षी टीम के लिए। डीडी रांझी 18/3 करने के बाद बॉलिंग के स्टैंडर्ड सही करना होगा, अगर ये स्टैंडर्ड रहेगा तो फिर आप मौका दे देंगे वापसी करने का। फिर से निशाना कहीं और था, इरादा कहीं और था, खेलना चाह रहे थे वो ऑन साइड में, गेंद गई ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। 18 से स्कोर सीधा 30 पहुंच गया। हल्की सी मुस्कुराहट पराग सर के चेहरे पर देखने को मिली जब उन्होंने देखा ये शॉट, वाओ, टीम को फाइनेंस किया उन्होंने, महेश मती को फाइनेंस किया है। वाइड शेरू देते हुए फर्स्ट बाउंस भी, फिर से शॉट गेंद की, फिर से हालांकि इस बार बड़ा शॉट नहीं, 1 रन जरूर मिलेगा ऑन साइड में। तो tenniscricket.in पर लगातार मैचेस आप तक पहुंच रहे हैं, लगातार लाइक कमेंट्स दर्शकों के आ रहे हैं, लगातार सब्सक्राइब करें इस चैनल के लिए, लगातार एक से बढ़कर एक मैचेस आप देख पाएंगे tenniscricket.in पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। स्मार्टफोन हर एक के पास है आज के दौर में, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करें tenniscricket.in और शिवन्य कप के हर एक दिन एक से बढ़कर एक मैचेस आप देखें। और जबलपुर शहर का ये कंपटीशन है, जबलपुर की तमाम टीमें खेल रही हैं, 48 टीमों ने शिरकत की है। तीन ओवर की समाप्ति, 33/3, 11 का औसत है। डीडी रांझी की टीम काफी समय ले रही है और अगर आप इस तरीके समय आप हर ओवर में लेंगे तो फिर आपको 7 ओवर बैटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप लगातार समय लेंगे, लगातार हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, लगातार इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं लगातार कमेटी की तरफ से, और हम आपको बता दें कि अगर आपको पूरे 8 ओवर खेलना, हम तो चाहेंगे कि आप 8 ओवर खेलें, लेकिन अगर आपका ओवर रेट ठीक नहीं होगा तो फिर हमको 7 ओवर खिलाने पड़ेंगे। डीडी रांझी बेहतरीन शॉट 4 रनों के लिए, जबरदस्त शॉट बिल्कुल यहां पर, सोनू अपनी इनिंग को दोबारा से प्रस्तुत करते हुए। दर्शक वहां से गेंद को भेज देंगे प्लीज, दर्शक वहां पर मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि गेंद वहां से थ्रो कर दें ताकि खेल आगे शुरू किया जा सके। 43/3 चौथा ओवर इनिंग और सोनू 3/11 एक बार फिर से, और फिर से लीजिए, इस बार जरूर सीमा रेखा के बाहर नहीं जाएगी गेंद, 2 रन फिर भी मिल जाएंगे सोनू के लिए। और इन परिस्थितियों में सोनू बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं, ये दर्शा दिया उन्होंने, जब भी शुरुआत के 2-3 खिलाड़ी आउट होते हैं फिर सोनू आते हैं और फिर पारी को संभालते हैं, रन्स बनाते हैं, प्रेशर से टीम को बाहर निकालते हैं,
ना केवल प्रेशर से बाहर निकालते, तेज रन बनाते हैं वो। 4 में 13 बना चुके हैं, 4 में 13 संतोषी, दोनों की एक जैसी इनिंग। 45 पर 3, बेहतरीन शॉट सोनू, एकदम स्वीट टाइमर ऑफ द बैट। काफी मिठास इनकी बैटिंग में, रिवर्स बेहतरीन तरीके से, फ्लैट 6 रन, 51 पर 3। इक्यावन पर तीन है, 3.5 ओवर। सोनू 19 पर हैं, संतोषी 13 पर, और ये फिर से इस बार खड़ी कर दी है, फॉलो थ्रू में कैच, सोनू आउट हुए। 51 पर 4, बहुत बड़ा विकेट इस समय सोनू का, पिछले मैच 39 बनाए थे, इस मैच में उन्होंने 19 बनाए हैं। छोटी सी पारी लेकिन प्रभावशाली पारी है इस इनिंग में, और अब 51 पे 4 है चौथे ओवर की समाप्ति के बाद। थोड़ी सी निराशा उन्हें हो रही है अपने आप से, बहुत बढ़िया लय प्राप्त कर चुके थे, बढ़िया इनफॉर्म दिख रहे थे, रन्स बनाने की कला उनके पास, लेकिन इस बार रणनीति के तहत आउट किया डीडी रांझी ने उन्हें। 51 पे 4, चौथे ओवर की समाप्ति हो चुकी है, संतोषी 13 पर हैं, एक्सैक्ट बैटर, और अगले बैटर हैं अजय। बिल्कुल फील्डर वहां पर खड़े हैं, खड़े रहेंगे और 6 वहां पर जड़ देंगे बल्लेबाज, काफी खतरनाक हो सकता है जो फील्डर काफी क्लोज खड़े हैं पीठ दिखा के। और जमा के मारा छक्का वहां पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी भी फील्डिंग हो सकती है, ऐसी भी फील्डिंग की पोजीशन रखी जा सकती है। बिल्कुल, और हम एक चीज़ और ये बता दें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील्डर की होगी, उनकी टीम की होगी, उनके स्टाफ की होगी, ऑनर की होगी, और बल्लेबाज की कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर इतना क्लोज फील्डर आपने लिया हुआ है, प्रोटेक्शन नहीं है वहाँ पर फील्डर के पास। और हम एक चीज़ और ये भी बता दें कि अब इसके बाद जो मुकाबला होगा वो मास्टर ब्लास्टर खेलेगी विक्की दुबे पत्रकार, उनकी टीम उतरेगी, आ चुकी है, तो बिल्कुल रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे विक्की दुबे पत्रकार यश भारत के, और उनकी टीम उतरने वाली है अगले मैच में।
पांच ओवर के बाद 65 रन 65 लॉस ऑफ फोर विकेट्स। एनपीआईएस महेशमती मंडला इस पूरी टीम का नाम है, एनपीआईएस महेशमती मंडला, मंडला से टीम आई है, डिस्ट्रिक्ट मंडला, संभाग जबलपुर लगता है, वहां से टीम पहुंची है और इस टीम को फाइनेंस किया पराग दीवान सर ने, जो कि ग्वारीहाट जबलपुर से बिलोंग करते हैं। 65 रन 4 विकेट 5 ओवर की समाप्ति का। संतोषी 26 पर 8 गेंदे मात्र खेली उन्होंने। अजय शून्य पर हैं, बॉलिंग में आ रहे अक्षय जिन्होंने पहला ओवर किया था, 11 रन दिए थे अक्षय ने। और अभी भी फील्डर जो है खड़े हैं वहां पर पीठ दिखाकर, देखना है कि क्या वो प्रभाव डाल पाएंगे अपनी फील्डिंग से। काफ़ी ताकतवर बल्लेबाज हैं इस टीम में अगर देखा जाए। एनपीएस महेशमती मंडला के पास उनके जो खिलाड़ी हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं उनके प्लेयर्स। और 67 for 4, 15 गेंदों का खेल अभी भी शेष, लगभग स्कोर 80-85 देखा जा सकता है। एक हाथ से खेल दिया इस बार गली और थर्ड मैन के बीच में से 2 रन, काफ़ी ताकत साउथ इंडियन क्रिकेटर्स इस टीम में, साउथ के खिलाड़ी काफ़ी हैं बिल्कुल। और इनको देख करके मुझे वो श्रीलंकन्स याद आते हैं, वेस्ट इंडीज किंगस्टन जमैका पोर्ट ऑफ स्पेन एंटीगा के खिलाड़ी नजर आते हैं, ताकत काफ़ी इन खिलाड़ियों के अंदर। संतोषी की बात करें, अन्ना की बात करें, सोनू की बात करें, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इस टीम में। 70 for 4 छठवा रनिंग, खराब परिस्थितियां थी उसके बाद भी टीम 70 पर पहुंच गई है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पिछले में 29 for 5 थे, उसका 99 बना लिया टीम ने, यहां पर 70 for 4 है, छठा ओवर चल रहा है। और एक और तेज शॉट खेला इस बार लॉन्ग लेग काउस कॉर्नर के क्षेत्र में, फिलहाल 1 रन और दूसरा वहां पर लेना चाहेंगे और रनआउट यहां पर निश्चित रूप से। दोनों ही बैटर्स 20 विकेट पर थे, मिसकम्युनिकेशन हुआ था, दोनों के अंदर तालमेल में कमी दिखी और विकेट के साथ ये पांचवा विकेट गिरता हुआ इस पारी का। ये इकहत्तर पर 5 है छठे ओवर की समाप्ति के बाद, रन आउट हुए, बहुत बढ़िया दिख रहे थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन संतोषी 13 for 31 और अगले बैट्समैन अमित, सिर्फ 2 ओवर रह गए हैं अब। 71 for 5 प्रेडिक्शन का टाइम है, प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 85 रन तो फिर भी होने चाहिए, 85-87 रन, कुछ एक बड़े शॉट्स अगर आ गए तो 90 भी स्कोर जा सकता है, 90-95 कहां तक ये टीम पहुंचेगी। 7वें ओवर की पहली गेंद, फिर से लॉफ्टेड शॉट, कमाल का संपर्क हुआ है,
और कमाल का शॉट ये, पहली गेंद पर छक्का, 77 टीम का स्कोर। और मैंने जैसे कि कहा कि ताकत काफी इन खिलाड़ियों के अंदर, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, काफी शक्तिशाली खिलाड़ी है। खड़े खड़े छक्के मारते हैं ये, गति में परिवर्तन किया था इस बार, बिल्कुल समझदारी भरी गेंदबाजी, जानते बल्लेबाज वेट ट्रांसफर कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं बैकफुट पे बड़े शॉट्स लगाने के लिए, और बैकफुट से बड़ी हिटें लगती हैं कहीं ना कहीं जहाँ तक क्रिकेटिंग लॉजिक की बात करें, बैकफुट से ज़्यादा बड़े शॉट्स लगते हैं। लॉन्ग हिट्स की अगर बात करें वो बल्लेबाजों के अंदर दिख रहा है, बिल्कुल क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हैं, बैकफुट पे जाते हैं गेंद फेंकने से पहले। अठहत्तर पर पांच, लेदर बॉल क्रिकेट में काफी देखा जाता है, डेथ ओवर्स में जब बल्लेबाज बड़ी हिटें मारते जाते हैं तो काफी ज्यादा घुसकर बल्लेबाजी करते हैं क्रीज के अंदर। डैरेन सैमी को मैंने काफी बार देखा है, और आज के दौर में ऐसे तमाम बल्लेबाज हैं जो घुसकर बल्लेबाजी करते हैं क्रीज के अंदर। आवाज आई थी इस बार और आउट हुए संतोषी, 15-31, बैट का अंदरूनी किनारा था और छठा विकेट 78 पर गिरता हुआ 7वें ओवर में। तो 7वां ओवर, करण वंसल जिन्होंने 7 रन दिए इस ओवर में और एक सफलता अर्जित की। करण वंसल डीडी रांची के बॉलर हैं। और एक रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे 7 ओवर की समाप्ति, 79-6 विकेट के नुकसान पर। काफी रन हो चुके हैं, अगर आप 80-80 से ज्यादा रन बनाते हैं 8 ओवर के फॉर्मेट में तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को मजबूत, कहीं ना कहीं अपने आप को पाते हैं मैच में। शुरुआत के 2-3 ओवर उतने रन नहीं थे, लेकिन 7 ओवरों के बाद 79 रन है, ये काफी रन है, ये मैच विनिंग टोटल की तरफ टीम बढ़ रही है। 99 से पहले बनाए थे, और भले ही इस ओवर में, इस मैच में, इस इनिंग में 99 ना बने, लेकिन फिर भी 90 तो फिर भी मुझे स्कोर दिख रहा है। बाकी बॉलर्स की बात करें, शब्बीर आए हैं अब काफ़ी लेट, काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं, रांची से इनका ताल्लुक है, डीडी रांची की तरफ से लास्ट ओवर लेकर आए हैं शब्बीर। अपने टाइम के काफ़ी धुरंधर ऑलराउंडर, आज से 10 साल पहले अगर चले जाएं तो शब्बीर का नाम काफ़ी सुर्खियों में हुआ करता था, झम के लिए काफ़ी खेला करते थे, इनके भाई उस्मान, इनके भाई लुकमान, और तीनों ही खिलाड़ी, तीनों ही प्लेयर्स बॉडी बिल्डर के नाम से काफ़ी मशहूर, पठान, उस्मान पठान, शब्बीर पठान, लुकमान पठान, और तीनों बॉडी बिल्डर। 10 साल पहले काफ़ी तूती बोला करती थी इन खिलाड़ियों की, बदलते वक्त के साथ, बदलते ज़माने के साथ इन खिलाड़ियों का अभी भी खेलने का जो अंदाज़ है वो कहीं ना कहीं बदला नहीं है। फुल टॉस गेंद इस बार, खतरा ज़रूर है, शब्बीर विकेट लेने से वंचित रह गए, रन आउट भी नहीं हो पाए।
रन आउट फिलहाल यहां पर हो चुके हैं, सीधा थोड़ा स्टंप्स पे लगा था। शेरू को पता था अंपायरिंग की भूमिका में, सीधा थ्रो स्टंप्स पे, हालांकि वेल्स स्टंप्स पर नहीं है और विकेट गिरता हुआ, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला विकेट्स का, क्योंकि यहाँ पर विकेट्स की अब ज़्यादा अहमियत ही रह गई है। यहाँ पे बॉल्स की अहमियत है, रन्स की अहमियत है अंतिम ओवर में, और एक रन इस बीच और 82 रन 82 सिर्फ बची हैं दो गेंदें। शब्बीर अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे दर्शाते हुए सिर्फ 2 रन दिए हैं 4 गेंदों में, 3 रन दिए हैं बल्कि। और इस बार 6 लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतरीन शॉट, टाइमिंग इस शॉट में, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये गेंद अंदर रहेगी बाउंड्री लाइन की, लेकिन हवा का वहाव, कहीं ना कहीं उस वहाव के साथ गेंद बाहर निकल गई। 88 बना लिए हैं टीम ने, 88 रन्स। और अगली गेंद पर बोल्ड कर दिया हवा शब्बीर ने, और 8 ओवरों की समाप्ति का 88 विकेट पर 8 8 8 8, 4 8 नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। 88 पर 8 इनिंग समाप्त हो चुकी है, 89 बनाने होंगे अब, 89 टू विन टारगेट है डीडी रांची के सामने, और बहुत जल्द फील्डिंग लगाएंगे, ओपनर्स भेजेंगे, समय की कमी है। हर मैच में बताना बहुत जरूरी है, लगातार अवगत कराना जरूरी है, समय कम है, मैचेस ज्यादा हैं, आज 2 समाप्त हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है, इसके बाद मुकाबले 3 बाकी हैं, तो आसान नहीं है आयोजन समिति के लिए, चुनौतियां काफ़ी हैं। आज आयोजन समिति के सामने कुल 6 मुकाबले हैं, दिन भी कम बचे हैं, 20 तारीख तक सभी मुकाबले कराने हैं, क्योंकि 21 से ऑल इंडिया चैंपियनशिप शुरू हो रही है जबलपुर संस्कार धानी में, जहां इनाम होगा 10 लाख रुपये, पहला इनाम 10 लाख, दूसरा इनाम 3.5 लाख रुपये, मैन ऑफ द सीरीज स्पोर्ट्स बाइक। तो कहीं ना कहीं आज 18 तारीख है, कल 19, परसों 20, 20 तक पूरे मुकाबले कराने हैं, और मेगा फाइनल जो कि इस टूर्नामेंट का श्रीराम कॉलेज ग्राउंड पर खेला जाएगा 24 नवंबर को। फाइनल मुकाबला इस प्रतियोगिता का यहां नहीं खेला जाएगा, NPIS महेशमति मंडला टीम ग्राउंड पर उतर चुकी है, बैटर्स भेजेंगे जल्द से जल्द, अंपायर पहुंच चुके हैं, पहले से मौजूद हैं, और डीडी रांची के ओपनर्स यथाशीघ्र पहुंचे हैं। और एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजेंगे ज़रूर यहाँ पर डीडी रांची, बहुत कम समय में अब ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस कराने की चुनौती है आयोजन समिति के सामने, लगभग 2 दिन का समय और बाकी, अब आज के दिन यदि निकाल दिया जाए तो अगले 2 दिन 19 और 20 नवंबर को फाइनल छोड़ के सभी मैचेस कराने हैं इस शिवन्य कप के। प्रद्युम है स्ट्राइकिंग एंड पर और पीयूष अदर एंड पर, और ग्राउंड के ऊपर से फ्लाइट निकलती हुई, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट, डुमना एयरपोर्ट करीब है, और डोमेस्टिक फ्लाइट ग्राउंड के ऊपर से tenniscricket.in पर सीधा प्रसारण इस मैच का। एक बार फिर से इस मैच की दूसरी पारी की कहानी शुरू होती हुई,
और अगले मैच की दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 भेजेंगे। और एक बाउंड्री आती हुई यहाँ पर डेडी रांझी की तरफ से, पीयूष बाउंड्री लगाते हुए, बेहतरीन प्लेयर हैं, टैलेंटेड प्लेयर हैं, गोकुलपुर के लिए क्लब क्रिकेट वो खेलते हैं पीयूष, और चौके के साथ अपने टैलेंट को दिखाते हुए 5 रन टीम के स्कोर डीडी रांझी। और इस बार बिल्कुल अपने टैलेंट को यहाँ पे पूरी तरह से दर्शाते हुए, काफी टैलेंटेड बल्लेबाज हैं गोकुलपुर क्रिकेट एकेडमी के लिए वो खेलते हैं, इनके कोच इनके कैप्टन पवन यादव की अगुवाई में पीयूष, और डीडी रांझी की तरफ से 2 चौके लगा चुके हैं, बेहतरीन स्टार्ट है ये पीयूष कुशवाहा। बेहतरीन तरीके से 1 रन लेते हुए, लेकिन टारगेट काफी बढ़ा दिया है इस मैच में। पहले ओवर की समाप्ति 10 रन है, 42 गेंदों में 79 रन, बिल्कुल खुला हुआ मैच है ये। मास्टर ब्लास्टर के कप्तान आ चुके हैं, डॉक्टर 11 के जो कप्तान है वो भी आ जाए, डॉक्टर्स नजर आएंगे मास्टर ब्लास्टर्स के सामने, जो टीम होगी डॉक्टर 11। सेकेंड ओवर रनिंग 11 रन और प्रदुम 1 पर। प्रद्युमन फुल टॉस फुल टोल 6 रन के लिए, टैंड के ऊपर से गेंद निकलती हुई और बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर। सत्रह रन अब तक कंसीड कर चुके हैं, सेकेंड ओवर है ये, 89-2 टारगेट डीडी रांझी के पास। जैसे कि मैंने बताया था मैच शुरू से पहले, कुछ एक बढ़िया खिलाड़ी हैं इस टीम के पास, पीयूष प्रद्युमन शब्बीर, और बैट का बाहरी किनारा जरूर था इस बार, कॉर्ड बिहाइंड आउट हो सकते थे, बहुत ही भाग्यशाली रहे वहां पर प्रद्युमन, बहुत मोटा एज था, हालांकि बहुत बड़ा एज आवाज आई थी, मोटा एज लगा था।
गति में परिवर्तन, संतोषी बॉलिंग में भड़ास निकालते हुए निराश ओवर की समाप्ति हुई 2 ओवर का 17। और अगले मैच के लिए मास्टर ब्लास्टर्स उतरने वाले हैं डॉक्टर्स 11 के सामने। बड़ा मैच है इसके बाद डॉक्टर्स, शहर के तमाम वो डॉक्टर्स एक तरफ, मास्टर ब्लास्टर्स के तमाम वो 11 खिलाड़ी एक तरफ, और विक्की दुबे पत्रकार यश भारत के वो नज़र आएंगे, अपनी टीम को सजाएंगे। दूसरे ओवर की समाप्ति 17 रन। तीसरा ओवर और फील्डिंग यहां पर खुल चुकी है। अब लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, 5 खिलाड़ी सीमाओं पर तैनात। हैं बड़े शॉट्स की सुरक्षा के लिए, रक्षा करती हूँ कि बड़े शॉट्स के। पीयूष काफी टैलेंटेड, 2 चौके लगा चुके हैं पीयूष। गति में परिवर्तन किया था इस बार, बढ़िया मिश्रण। जबरदस्त शॉट, टैलेंटेड पीयूष, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन, उनके बैट से पहला छक्का निकलता हुआ, जबरदस्त शॉट पीयूष, खड़े खड़े और उछाल था इस गेंद पर, बढ़िया शॉट, बढ़िया स्किल उनके पास, काफी टैलेंटेड होनहार पीयूष। 23 रनों पर टीम को पहुंचा दिया है। डीडी रांझी तैयार है इस रन चेज में, 23 विदाउट लॉस। गति में परिवर्तन, बैट पहले घुमा, वाइड का इशारा अंपायर का, एक्स्ट्रा रन, और शेरू का एक बार इशारा जब हो जाता है ना तो फिर वो एकदम सही होता है। अंपायरिंग करते करते काफी एक्सपीरियंस उन्हें हो चुका है मिस्टर शेरू छेवला से, अंपायरिंग करने के लिए वो आते हैं। पर 1 रन के साथ काफी करीबी मामला लग रहा था, नजदीकी मामला, काफी लेट पहुंचे क्रीज के अंदर पीयूष, घातक हो सकता था उनके लिए। रिप्ले में जरूर देखना चाहेंगे, थ्रो काफी अच्छा आया था लगे, और वो टाइम रहते हुए बैट अंदर क्रीज के, नहीं तो रन आउट हो जाते वहां पर पीयूष। और इस बार बैकफुट से लगाया हुआ स्ट्रोक, फील्डर वहां पर है सोनू, वो इलाका सोनू का है, वहां वो कैच नहीं छोड़ते, और आज के दिन वो 4 कैच ले चुके हैं सोनू, वहां पे आप शॉट नहीं खेल सकते। सोनू कैचेस लेने के मामले में काफी माहिर, ये देखे रिप्ले में, बहुत बढ़िया कैच उनका ये, और इस तरह से 25 पर 1, 2.5 ओवर के बाद। प्रद्युमन आउट हुए 7 रन बनाकर, और अगले बैटर डीडी रांझी के, क्या नाम, ईशु, डॉक्टर्स 11 के कप्तान अगर मुझे सुन पा रहे हो, अपनी प्लेइंग 11 दे दें और अपने तमाम 11 खिलाड़ियों के नाम वो फीड कराएं, क्योंकि डिजिटल स्कोरिंग हो रही है। डॉक्टर्स 11 के कप्तान कहां पर हैं, हाथ उठा दें, आ जाइए प्लीज।
चलिए तो एक और झटका लगाया, इशू आउट हुए, कोई इशू नहीं उनकी कैचिंग में। और 25-2 शब्बीर अगले बैटर हैं, और शब्बीर को तो आना ही पड़ता है क्योंकि बहुत देर अपने आप को कर नहीं सकते, शब्बीर ही मैच को अब तब्दील कर सकते हैं, काफ़ी लंबा तजुर्बा उनके पास टेनिस क्रिकेट का। शब्बीर कब तक अपने आप को रोक पाएंगे डगआउट में? जबरदस्त शॉट, आसमानी शॉट, पीयूष पीयूष अगर हैं तो उम्मीदें बिल्कुल बरकरार हैं डीडी रांची की। इनके टैलेंट को मैंने देखा है, इनको मैंने देखा है खेलते हुए, काफी लंबे समय तक देखा है, और आज बढ़िया बैटिंग 10-23 बना चुके हैं वो। और इस बार चूके पूरी तरह से, कीपर भी चूके, रन मिलेंगे, बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है और 4 रन और मिलेंगे। लेग बाय का इशारा अंपायर का, रन आ रहे हैं तेजी के साथ। एनपीआईएस महेशमति मंडला, कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहां पर उन्हें फील्डिंग अच्छी करनी होगी। 35 रन बन चुके हैं, 54 रनों की और जरूरत है 28 गेंदों में 54 रन। इसका मतलब यह है कि मुकाबले में रोमांच परवान चढ़ेगा कहीं ना कहीं, अब मैच ऑन है ये। पीयूष 11-23 और शब्बीर को अभी स्कोरिंग शुरू करनी है, तो मैच खुल चुका है ये पीयूष की बैटिंग की वजह से। और बढ़िया शॉट इस बार, एडजस्टमेंट काफी अच्छी थी शॉट में, एकदम खोद के निकाला मानो उन्होंने बल्ले के बिल्कुल निचले क्रम पर गेंद को लिया था बल्ले पर, और एक रन के साथ अब 36। शब्बीर आक्रामक बैट्समैन है ये बता दें हम उन्हें दर्शकों के लिए। फ्लैट बैटेड शॉट का उस कॉर्नर में एक रन, 37-52 चाहिए अब 26 गेंदे बाकी हैं, 52 चाहिए। पीयूष 24 पर हैं, 12 गेंदे मात्र उन्होंने खेली हैं, कुछ एक बेहतरीन स्ट्रोक्स। बैकफुट पर खेलते हैं, बिल्कुल क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हैं, खड़े खड़े विश्वास से भरा हुआ ये शॉट, और 6 रन देकर जाएगा पीयूष के लिए। 13-30 बना चुके हैं पीयूष, जबरदस्त बैटिंग, क्रीज के अंदर घुसकर बल्लेबाजी करते हुए, लेदर बॉल क्रिकेट की स्किल है, हिटे अगर आपको मारनी है तो आपको घुसना पड़ेगा अंदर, बैकफुट पर जाना पड़ेगा, अपने आप को पीछे ले जाना पड़ेगा, और सफल साबित होते हुए। और ये फिर से खड़े खड़े, क्या बात है, वाह वाह, पीयूष इस बैटिंग में छा गए। 4th ओवर की समाप्ति, 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 49-2 पीयूष इस बार तो बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे, और एकदम शफल करके खेला हुआ शॉट ये। 4th ओवर की समाप्ति, 49 रन 40 रनों की और जरूरत है 24 गेंदों पर। जबरदस्त बैटिंग पीयूष, 14-36, बहुत ही आक्रामक बैटिंग उनकी, आक्रामक आकर्षित,
और इस रन चेज में उनकी बैटिंग इस वक्त बहुत दिलचस्प हो रही है। 14 में 36 शब्बीर और लगभग रिक्वायर्ड 100 अब जो है 10 रन प्रति ओवर आ गया है। 4 ओवरों में 40 रनों की और जरूरत है, 24 गेंदें बहुत होती हैं। पहले से बैट घूमा था, गति नहीं थी इस गेंद पर, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा अंपायर का। 50 रन हुए इसी के साथ टीम के, 4 ओवरों में 50 रन, आधा सफर तय किया टीम ने, आधा सफर बाकी है। और इस बार शब्बीर रिवर्स खेलना चाह रहे थे, मना कर दिया रन के लिए पीयूष के लिए। डेंजर एड पर पीयूष, पहली गेंद वाइड, दूसरी डॉट। संतोषी 2.1 ओवर की गेंदबाजी में, हालांकि दूसरा ओवर उनका है ये, 27 रन दे चुके हैं। एक बॉलर दो से ज्यादा कर नहीं सकता। तेईस गेंदों में 39 रनों की जरूरत, 8 विकेट बाकी। फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए, नो का इशारा अंपायर का आता हुआ, वेस्ट हाइट, कमर के ऊपर थी गेंद, अंपायर का मानना, बढ़िया अंपायरिंग और रिव्यू लिया गया है फील्डिंग साइड टीम की तरफ से। अंपायर को चैलेंज किया वहां पर सनी अन्ना ने, रिव्यू लिया गया है। तीसरे अंपायर का मानना ये कि इट्स अ फेयर डिलीवरी, नो नहीं है, और सनी अन्ना ने चैलेंज किया था, उनका रिव्यू वर्क करा रहे हैं। और ये सिस्टम रखा गया, रिव्यू सिस्टम बढ़िया। और ये फायदा होता है जब कैमरे लगे हो मैदान पर, सीधा प्रसारण हो रहा हो, सुविधाएं हो। निश्चित तौर पे आज पीयूष का जवाब नहीं, लाजवाब बैटिंग पीयूष कुशवाहा, बहुत बढ़िया बैटिंग करते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट, ताबड़तोड़ बैटिंग। 20 में 32 बचा है मैच अब, 20 में 32 पीयूष को आउट नहीं करेंगे आप तो फिर पीयूष मेरा नहीं ख्याल कि 8 ओवर तक मैच को जाने देंगे। और इस बार फंसा लिया है, धीमी गति की गेंद और कैच छूटा वहां पर, अंडर 15 के खिलाड़ी हैं वहां पर, उनसे चूक हो गई। पराग सर ने कुछ अंडर 15 के प्लेयर्स को भी प्रमोट किया है, सब्स्टिट्यूट फील्डर है वहां पर, उनसे कैच निकल गया। और ये कैच बहुत महंगा पड़ सकता है क्योंकि इस मौके पर पीयूष को आउट करना ही पड़ेगा यदि मैच में वापस आना है तो, और इससे बेहतर मौका मिल नहीं सकता था। अंडर 15 प्लेयर है वहां पर, सब्स्टिट्यूट फील्डिंग कर रहे हैं, कैच ले नहीं पाए। 19 में 31, और ये तेज गति की गेंद की थी इस बार, शब्बीर के बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है। ओवर की समाप्ति हुई है, 5 ओवर की समाप्ति, 58 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर में 31 रन चाहिए अब, 3 में 31 यानी कि 18 गेंदे 31 रन। पीयूष मौजूद रहेंगे तो ये मुमकिन है, शब्बीर रहेंगे तो ये मुमकिन है, दो में से कोई अगर एक आउट होगा परेशानी बढ़ सकती है डीडी रांची के लिए। बाकी बल्लेबाज कैसे हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने पीयूष को देखा है, शब्बीर को मैंने देखा है, और इन प्लेयर्स के ऊपर मैंने पहले से मेरी नज़र थी, इन प्लेयर्स के ऊपर मैंने काफ़ी रेट किया था इन प्लेयर्स के लिए, वो परफॉर्म कर रहे हैं। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी, वाइड की मांग कर रहे थे पीयूष, अंपायर ने कहा नहीं, हर गेंद वाइड नहीं होती। रिव्यू यहाँ पर लिया गया है, अब
बल्लेबाज ने चैलेंज कर दिया है अंपायर के लिए। देखिए रिव्यू अगर सही होगा तो आपका रिव्यू बरकरार रहेगा, और रिव्यू अगर खराब होगा दोबारा नहीं मिलेगा। चलिए तो ये वाइड है, ये रिव्यू बरकरार है। पीयूष ने चैलेंज किया था और काफी ज्यादा बाहर थी गेंद, वाइड एक्स्ट्रा रन। पीयूष फिर से गए बेहतरीन शॉट के साथ काउस कॉर्नर के ऊपर से 6 रन, 49 पर पहुंच गए पीयूष, एक रन दूर अपने 50 से। एकदम रियल टैलेंट, गोकलपुर क्रिकेट एकेडमी का टैलेंट है ये, रांची के लिए सेवाएं दे रहा है। 49 रन पर पहुंच चुके हैं और इस एक रन के साथ उनका अर्धशतक पूरा हुआ, अर्धशतक पूरा हो चुका है। बहुत अच्छी इनिंग, लेकिन अभी काम बाकी है। 16 में देश आई है बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन करते हुए, दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हुए अपने डगआउट में इशारा करते हुए, और 18 गेंद में मात्र ही अर्धशतक। और फिलहाल तेजी के साथ एक रन बढ़िया तरीके से कॉल किया था नॉन स्ट्राइकिंग एंड से, शब्बीर निकले। 15 में 22 चाहिए, कांटे की टक्कर इस मुकाबले में चलती हुई, 15 में 22, क्या ये सफल रन चेज होगा? पहला सफल रन चेज, 22 रन दूर है 15 गेंदों में। कमजोर गेंद और इस बार खतरा जरूर है, सोनू है तो फिर कैच आउट जरूर होंगे यहां पर। आज के दिन का 5वां कैच सोनू का ये, इस मैच में दूसरा, इससे पहले लिए थे 3 कैच और वो इलाका सोनू का है, वहां वो गलती नहीं करते। और पीयूष कुशवाहा ने बनाए 19 गेंदों में 50 रन, हम चाहेंगे जोरदार तालियां बजनी चाहिए पीयूष के लिए। बहुत बढ़िया पारी खेलकर लौट रहे हैं वो, 50 रन इस रन चेज में, 8 ओवर के ये फॉर्मेट। लेकिन अभी भी मैं ये बता दूं कि काम पूरा हुआ नहीं है, बाकी बल्लेबाजों को काम पूरा करना है। और ये सही टाइम पर ये विकेट मिला है, एनपीआईएस महेशमती मंडला की टीम है, मेहमान टीम है, और इस टीम को फाइनेंस किया है पराग सर ने, जो कि गौरीघाट जबलपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस टीम को फाइनेंस किया है। और 14 में 22 की जरूरत है, और अब एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है ये विकेट, एक ब्रेक थ्रू दिलाया है गेंदबाज ने। और ओ यहां पर क्लोज जरूर था लेकिन क्रीज के अंदर, काफी रोचक मुकाबला ये, दिलचस्प मुकाबला, रोमांचक मुकाबला ये, दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला ये मुकाबला है ये। और यहां पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और बहुत ही बढ़िया थ्रो, लेकिन क्रीज के अंदर यही खास बात थी इस रन पे। 13-21, 68 पर 3, छठे ओवर के अंतिम गेंद, शब्बीर नहीं लगा पाए बड़ा शॉट, डॉट निकलती हुई। 12-21 मुकाबला आ चुका है, 12-21। टेनिस क्रिकेट डॉट इन के तमाम दर्शक इस वक्त इस मैच को शिद्दत के साथ देखते हुए।
12 में 21 चाहिए, 10.5 रन प्रति ओवर चाहिए। पीयूष आउट हो चुके हैं, सेट बैटर थे वो, और सनी अन्ना आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए, टीम के कप्तान। 7वां ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर, जी हाँ 7वां ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर, बहुत ही रोचक मुकाबला। तमाम नजरें दर्शकों की पूरे शिद्दत के साथ इस मुकाबले को देखते हुए, और इस मोड़ पर यह मुकाबला खड़ा हो चुका है जहां पर गलतियों की गुंजाइश कम है, और इसी बीच गलती कर दी वहां पर अन्ना ने, शॉट गेन कर दी, 6 रन, 11 में 15 चाहिए अब सिर्फ, टेंट के ऊपर छक्का मार दिया वहां पर, बहुत ज्यादा शॉर्ट गेंद, और बिल्कुल उन्हें आइडिया नहीं था बल्लेबाज के बारे में, और उन्हें शॉर्ट गेंद खिलाई और उस पर एक जोरदार छक्का। डीडी रांझी एकदम रेडी, ये बेहतर निकलती हुई डॉट निकालते हुए, उछाल भरी गेंद जरूर की थी इससे पहले, लेकिन इस बार बिल्कुल आगे और थोड़ा सा दूर रखा बल्लेबाज से, आउटसाइड ऑफ स्टंप डॉट निकलती हुई, 10 में 15। और इस बार सीधा खेला था, स्ट्रेट बैट से खेला था, और यहां रन आउट हो जाएंगे, यहां नहीं तो यहां सही। ये बिल्कुल कॉमेडी एरर्स, नाटकीय ढंग से रन आउट हुए, और वहां स्टंप्स को निकालने की जरूरत थी, यदि आप स्टंप्स को नहीं निकालेंगे तो फिर रन आउट नहीं होंगे। शब्बीर स्टंप्स को निकालना जरूरी था जमीन से बाहर, क्योंकि एक स्टंप जमीन से निकल चुका था, दूसरा आपको निकालना था तब जाकर वो आउट होते शब्बीर, लेकिन यहां पर एक छक्का लगाकर इन्होंने अपना काम तो कर दिया, रन आउट जरूर हुए। और ये देखें आप रीप्ले में, यहाँ पे रन आउट हो गए बहुत आसानी के साथ, और यहाँ तो स्टंप्स भी निकाल दिया उन्होंने कि अब चलिए अब तो जाना ही पड़ेगा बल्लेबाज को वापस बाहर। दस में 15 रन आउट हुए पिछले बल्लेबाज की बात की जाए, 74 पे 3, 10 में 15 डीडी रांझी। तीन गेंदें हुई हैं, पहली पे छक्का आया था, दूसरी डॉट हुई थी, तीसरी पे रन आउट हुए, 9 में 15 चाहिए अब। चलिए तो एक रन मिलेगा जरूर, अब 8 में 14 की जरूरत है, 8 गेंदों में 14 रनों की जरूरत, और यहां शब्बीर को अब बड़ा शॉट खेलना ही पड़ेगा, 6 नहीं तो 4, बड़ा शॉट हर सूरत में खेलना ही पड़ेगा इस ओवर में, नहीं तो अगले ओवर मैच कठिन हो जाएगा। और शब्बीर बड़ा शॉट नहीं खेल पाए, यह है सनी अन्ना, आज सनी डे, और सनी अन्ना की गेंदबाजी में चमक कहीं ना कहीं नजर आ रही है। पहली गेंद पर जरूर छक्का लग गया था उनकी गेंद पर, लेकिन उसके बाद उन्हें कमबैक किया। अंतिम गेंद 7 में 14 चाहिए अब, 10 से ज्यादा रन छोड़ेंगे निश्चित तौर पे मुकाबला ऑन रहेगा, और सनी ने अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट नहीं मारने दिया, और सनी के भाई सोनू उन्होंने फील्ड किया, थ्रो किया, 13 रन चाहिए अब सिर्फ, अंतिम ओवर में 13 रनों की जरूरत है, सबसे रोचक मुकाबला है, 13 रन चाहिए 6 गेंदों पर। टेनिस क्रिकेट डॉट इन के तमाम व्यूअर्स शिद्दत के साथ लगातार मुकाबले को देखते हुए, और मैदानी दर्शक भी
लगातार इस मुकाबले को देखते हुए दिल थाम कर बैठे हैं, दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। अंतिम ओवर में 13 रनों की जरूरत है, शब्बीर के पास स्ट्राइक नहीं है, स्ट्राइक उनके पास अब है क्योंकि आखिरी बॉल पर एक रन उन्हें लिया है तो जरूर स्ट्राइक उनके पास है। शब्बीर क्या मैच जिताकर लौटेंगे, काफी उम्मीद है उनसे। अंतिम ओवर का रोमांच, शब्बीर बहुत मैच इन्होंने जिता के दिया अपने दम पर, क्या जिता पाएंगे 2024 शिवन्य कप 2024 में। अंतिम ओवर 13 की जरूरत, दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला यह मुकाबला। शब्बीर अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत मैचेस जिताए हैं अपने क्रिकेटिंग कैरियर में, आज जरूरत है टीम के लिए। और बॉलर है अमन, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से पहली गेंद और शब्बीर ने कमाल कर दिया, पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया उन्होंने और अब 7 रन चाहिए 5 गेंदों में। शॉर्ट गेंद शब्बीर को नहीं कर सकते, जस्ट शॉर्ट, बिल्कुल शोल्डर हाइट पर जोरदार छक्का और 5 में 7 की जरूरत है अब इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद पर छक्का, बॉलर के ऊपर प्रेशर डाल दिया है शब्बीर ने। मैंने जैसे कि कहा बहुत मैचेस उन्होंने जिता के दिए अपनी दम पर, झम के लिए खेला करते थे, झम 11 के बहुत ही होनहार खिलाड़ी हुआ करते थे आज से 10 साल पहले, लेकिन अभी भी शेर बूढ़ा नहीं हुआ है। और 5 में 7 की जरूरत, शब्बीर 2009 में तो उन्हें शब्बीर चीता का नाम दिया गया था, शब्बीर चीता। और लीजिए, शब्बीर ने काम कर दिया है, शब्बीर ने काम कर दिया है, शब्बीर चीता। 2009 की यादें ताजा हुई हैं, 2 छक्के लगा दिए उन्होंने और बिल्कुल बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया है टीम के लिए, बिल्कुल बराबरी पर दोनों ही टीम्स। स्कोर्स लेवल 88-88, इस रन चेज में अब 1 रन की और है जरूरत और 1 रन लेकर शब्बीर ने मैच जिता दिया है टीम डीडी रांची के लिए। 3 गेंद पहले मैच को समाप्त कर दिया, शब्बीर ने बहुत ही अहम पारी खेली और पीयूष प्लेयर ऑफ द मैच, पीयूष प्लेयर ऑफ द मैच हैं। और अगले मैच के लिए दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस कराएंगे, शानू टॉस कराएं प्लीज। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पीयूष के लिए, पीयूष कुशवाहा जिन्होंने बहुत ही कमाल का अर्धशतक लगाया मात्र 18 गेंदों में और कुल 19 गेंदें